तक। देखो जो पिछले दिनों में खबरें आ रही हैं कनाडा में जो हालात बने हुए हैं, ये एक किसी मजहब की बात नहीं है, हिंदू हो सिख हो सबके लिए ये ट्रूडो साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया है वहां पे। जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं उनको दो दिनों से मंदिरों के सामने, जो हमारे पूजा की जगह है, जो पिछले दिनों त्योहार थे हमारे, चाहे दिवाली थी और थी, तो उसके लिए वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो खास तौर पे हर जगह इस आदमी ने कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहां पे रह ना सकें, यहां से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, उसे रोकने के लिए, ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए, ये कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों को, हिंदुस्तानी जो भारत के चाहे तीन तीन पीढ़ियां वहां हो गई, लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी मजबूती से हम इसे, सख्ती से, ये कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को, सिखों को, जो अमन पसंद हैं, ये तो कुछ लोग हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, ये आपके पेरोल पे हैं, आपके आपके मतलब ये खरीदे हुए मस्टंडे हैं जिनको आप खालिस्तान के नारे लगवाने के और उनको झंडे दे के खड़े कर देते हो, लेकिन ये बहुत एक मैसेज जो है दुनिया में, आपके देश का भी और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का, कोई छवि जो है उनकी कोई बची नहीं है। मेरी ख्याल नहीं वो किसी इंटरनेशनल, ये हमेशा अमन चैन पीस की बात करते हैं और बाकी देशों को ये सबक सिखाते हैं, लेकिन आज कनाडा और कनाडा की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर किसी मंच पे इंटरनेशनल वहां पे ये बोलने लायक नहीं रहे जो कल या परसों वहां पे जो हुआ है।